और इससे मुझे एक किस्सा याद आ गया. एक बार हम क्लास ले रहे थे और उस टाइम पे क्या हुआ कि मेरी आदत है ऑफलाइन क्लासेस जब होती थी तो जो भी मेरी नेक्स्ट क्लास होती ना उसमें क्वेश्चंस पूछती थी मैं जो भी मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया. अभी तुम लोग भी सामने बैठे होते तुम लोग की भी क्लास लग जाती पहले क्वेश्चंस पूछे जाते तुमसे. अगर क्वेश्चंस के आंसर नहीं करते तो पनिशमेंट भी मिलता था. तो मैंने एक दिन क्लास के नोट्स तो सबके पास होते ही हैं तो क्या करते हैं बच्चे जब टीचर क्वेश्चन पूछता है तो कॉपी खोलते हैं आंसर कर देते हैं. तो ऑफलाइन क्लास चल रही थी और मैंने क्लास में एक क्वेश्चन पूछा था. मैंने कॉपी में ऐसे ही लिखवा रखा था कि सॉल्ट का एन फैक्टर कैसे देखा जाता है. या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लो या फिर वहां पे क्या देख लो टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज. तो मैं वर्बली पूछ रही थी इस क्वेश्चन को कि एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं एसिड का. तो बच्चा देख चुका था तब तक कि मैम एक ही क्वेश्चन सबसे पूछ रहा है. उसने देख लिया एसिड का मैम ट्रांसफरेबल एच प्लस आयन. मैंने कहा ठीक है देख लिया देख के बोल दिया. मैंने पूछा बेस का कैसे बोलते हैं तो बोल दिया नंबर ऑफ ओएच माइनस आयन. फिर मुझे सॉल्ट का एन फैक्टर कैसे देखते हैं तो आंसर क्या आया मेरे पास सुनना ध्यान से. मेरे पास आंसर आता है कि मैम टोटल पॉजिटिव अपॉन टोटल नेगेटिव. इससे पता क्या पता चला कि उसने मेरी क्लास अटेंड की उसने मेरे नोट्स भी लिखे लेकिन उसने नोट्स इस तरीके से छापे हैं कि उसको खुद को नहीं पता कि ये अपॉन है या ये ऑब्लिक है ये और है. और यानी कि या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लो या टोटल नेगेटिव चार्ज देख लो. आप लोग ऐसे मत करना. अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसका आंसर सोच समझ कर. अब नोट्स जब छापते हैं ना जब नोट्स तो मिल जाते हैं बच्चों को बड़ी डिमांड रहती है मैम ये नोट्स वो नोट्स सब कुछ दे दो लेकिन जब तक खुद ने लेक्चर अटेंड नहीं किया होगा 100% फोकस के साथ उन नोट्स का कोई वर्थ नहीं है. अगर बेटा नीट का पेपर चल रहा हो बोर्ड का पेपर चल रहा हो अगर आपको पूरा पूरा बता भी दिया जाए ना यही आएगा तब भी जब तक खुद नहीं पढ़ोगे तब तक कोई फायदा नहीं है. और सच में चाहते हो कि अगर रॉक करो बिल्कुल फ्रैक्शन चाहिए उसके लिए बेटा क्लास में 100% फोकस. फर्स्ट डे से बोल रही हूँ आज भी बोलूंगी जिनका क्लास में फोकस है बेटा उनको क्वेश्चंस करने में अलग ही मजा आता है. अभी भी देखना इसकी नेक्स्ट स्लाइड में ना क्वेश्चन है क्योंकि डॉली मैम है तो क्वेश्चन और क्वेश्चन है तो बच्चों से क्वेश्चन तो बनने चाहिए.